नमस्कार दोस्तों, आइए इन गर्मियों के मौसम में मैं आम से एक कच्चे आमों का एक रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मेरी दादी गुरमा कहती थी और हम लोग उसे खटमिठी कहते थे। खटमिठी इसलिए कहते थे कि वो खट्टी और मीठी लगती थी, लेकिन मेरी दादी इसे गुरमा ही कहती थी। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये थोड़ा हर जगह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और ये यूपी बिहार में अलग अलग तरीक़ों से या अलग अलग मसालों से बनाया जाता है। और जहाँ तक मैंने देखा है तो शायद यही मसाले दोनों जगह इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या चाहिए। इसके लिए मैंने आम लिया है 250 ग्राम। मैंने गुठली वाले आम लिए, मेरे बच्चे पसंद करते हैं इसको। और चाहिए मुझे इसके लिए ये 250 ग्राम है और 250 ग्राम गुड़, मैंने इसको कूट के रख लिया है। सरसों आधा चम्मच, मेथी 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, कलौंजी आधा चम्मच और 2 से 2.5 लाल मिर्च। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो आप पीसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा तीखा नहीं, खट्टा मीठा अच्छा लगता है। और चाहिए मुझे इसके लिए पानी और घी, आप चाहे तो इसे रिफाइंड या कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें, मैंने इधर कढ़ाई भी रख दिया है और ये गर्म हो चुका है कढ़ाई, हम इसमें घी डालूँगी। ये मैंने घी डाल दिया और घी को मैं गर्म होने देती हूँ। चलिए इसे गर्म हो जाने देते हैं बहुत तेज। चलिए हमारा घी गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें आम को डाल दूंगी और इसे चलाते हुए थोड़ी देर भून लूँगी। तो चलिए हम इसे भूनते हैं। जब तक ये भून रहा है तब तक मैं दूसरे बर्तन में जो सूखे मसाले हैं उन्हें मैं भून लेती हूँ। एक मैं कलौंजी को छोड़ दूँगी और सभी मसालों को इसमें डालकर भून लूँगी। सिर्फ कलौंजी को छोड़ूंगी और मसालों को डाल के भून लेती हूँ। ड्राई रोस्ट, ये देखिए, ये मैंने सरसों, मेथी, सौंफ, खीरा और मिर्च को इसमें डाल लिया है और इसे हम सूखा ही भून लेंगे। और इधर माम को देख लेते हैं, ये देखिए ये थोड़ा कलर चेंज होने लगेगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। चलिए इसे हम थोड़ा भून लेते हैं। ये देखिए हमारा आम भुन गया अच्छी तरह और ये इधर हमारे मसाले भी भुन गया। मैं इसे ठंडा करके दरदरा पीस लूँगी और अब मैं इस आम को किसी दूसरे बर्तन में निकालती हूँ और इसी बर्तन में मैं आगे का काम शुरू करती हूँ। तो ये देखिए मैंने आम निकाल लिया और इसी तेल में मैं एक कलौंजी डालूँगी। जब ये तड़क जाएगा तो इसी में मैं गुड़ डालूँगी। जी हाँ, ये हमारा कलौंजी, काला जीरा या ऑनियन सीड, आप जो भी कहते हो। तो चलिए अब इसमें मैं गुड़ डाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें गुड़ और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इसे हम पिघलने देते हैं। तो चलिए इसे गुड़ को पिघल जाने देते हैं। ये देखिए हमारा ये गल चुका है गुड़, मैंने आधे गिलास से भी कम पानी डाला था और इसे हम देख लेंगे एक तार की चाशनी बनाने तक। अब मैं इसके अंदर, ये एक तार की चाशनी बन गई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा एक तार का चाशनी बनना चाहिए, तो ये एक तार का चाशनी बन रहा है। और ये देखिए अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी और आम को भी डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें नमक भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं और इसमें आम भी डाल देंगे इसी टाइम, लेकिन मैं नमक नहीं डालूंगी। अगर आपको व्रत वगैरह में खाना हो तो आप मेथी और कलौंजी को अवॉइड कर दीजिए, सौंफ और, लेकिन मेथी से खुशबू अच्छी आती है। अब मैं इसमें ढककर इसे 15 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसे पकाऊंगी। तो चलिए हम इसे 15 मिनट तक ढककर पका लेते हैं।
तो ये देखिए हमारा 10 से 15 मिनट हो चुका है और ये आम हो चुका है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट सा लग रहा है और ये अंदर से भी हो गया। ये देखिए बहुत अच्छा। मैं गुठली इसलिए रखती हूँ कि मेरे बच्चों को इसका गुठली काफ़ी देर तक वो गुठली से खेलते हैं या ये कहिए उसको चबाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मम्मी जब भी बनाओ गुठली वाले आम का बनाओ। ये देखिए ये हो चुका है हमारा सर्व करने के लिए। और आप कोशिश करिएगा इसके लिए बम्बैया आम, यानी वो जो कच्चा होता है तभी वो मीठा होता है। एक और आम होता है मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो जब कच्चा होता है तब भी मीठा होता है। तो बम्बैया या जो मीठा आम मिलता है वही लेने के लिए, ताकि कम खट्टा हो। और आप इसको जितना आम लेंगे उतना ही गुड़ लीजिए। चीनी में बना सकती हैं, चीनी में थोड़ा वाइटनेस, ये जो हमें ये लाल लाल दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, थोड़ा सफ़ेद दिखेगा। तो चलिए मैं इसे बंद करती हूँ, सर्व करती हूँ। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारा तैयार हो गया आम का खटमिठी या आम का गुरमा। मेरी दादी और नानी इसको गुरमा कहती थी आम का। ये मेरा तरीका था खटमिठी या गुरमा बनाने का। आपका भी कोई तरीका हो तो आप मुझे बताइए। इसे आप बाहर रख के 15 दिन तक ख़राब नहीं होता, और अगर बाहर रखना है तो एक हफ्ते तक ख़राब नहीं होगा। और इसे ठंडा करके एयरटाइट डब्बे में डाल के आप फ्रिज में रखिए तो ये 15 से एक महीना तक चल जाता है। इसे पराठा पूड़ी रोटी सबके साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाइए, खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए। अपना तरीका भी मुझे एक बार ज़रूर बताइए आप कैसे बनाते हैं, बताइएगा ज़रूर दोस्तों। और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरा कोई भी रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।